हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमन कौशिक और आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। कैसा था आज का बाजार और क्या रहेंगे लेवल्स कल आने वाले दिन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। कल वीकली एक्सपायरी का दिन है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, सो उसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या रेंज रहेगी कल आने वाले दिन के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों निफ्टी के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए निफ्टी में अभी हमने जो प्रीवियस ड्राइंग्स हमने करी थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, वो अभी यहाँ पे आपको दिख रही होंगी मेरे चार्ट पर। तो यहाँ पे हमने एक मार्क किया था लाइन की निफ्टी में जो है 17,500 का जो लेवल था, 500 से 520 का लेवल था, ये हमारा टारगेट था जब हमने बात करी थी कि 17,200 ब्रेक होगा। तो ऑलमोस्ट 17,450 से 500 तक का टारगेट लग रहा था। और अभी हमने प्रीवियस वीडियो में बात भी करी थी अगर मार्केट 500 ब्रेक करता है और अपसाइड ही कंटिन्यू रहता है तो यहाँ पे हम 17,700 तक का टारगेट लेके चलेंगे निफ्टी में, और 700 के बाद 800 का एक टारगेट लेके चलेंगे निफ्टी में। सो ओवरऑल अभी मार्केट जो है आज क्लोजिंग आई है 17,560 के अराउंड, यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग आई है। आज मार्केट पूरा दिन अपसाइड ही रहा है। स्टार्टिंग में ओपनिंग जो हुई थी वो 17,400 के अराउंड फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली थी, और उसके बाद कंटिन्यूस जो है निफ्टी अपसाइड ही ट्रेड करा है। ऑलमोस्ट 125-140 पॉइंट के अराउंड निफ्टी जो है ऊपर ही बंद हुआ है आज के दिन। सो अभी कल के दिन के लिए 17,480 से 17,500 का जो एरिया है ये रहेगा हमारा सपोर्ट वन कल के दिन के लिए निफ्टी के लिए। इसके नीचे अगर 480 के नीचे अगर हम सपोर्ट ढूंढने जाएंगे तो यहाँ पे हम 17,400 का जो लेवल है इसको हम ऑलमोस्ट 400 से 380 का लेवल है इसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे अपना सपोर्ट टू और सपोर्ट थ्री। हमारा यहाँ पे 17,300 का एरिया रहेगा इनकेस अगर मार्केट में कोई बड़ा फॉल देखने को मिलता है कल। तो अपसाइड के बारे में बात करेंगे तो अपसाइड में हमारी जो रेंज है वो फिक्स रहेगी यहाँ पे 17,700 का जो है हम यहाँ पे लेके चलेंगे अपना रेजिस्टेंस वन, और 17,800 जो है वो रहेगा हमारा रेजिस्टेंस टू। यस, रेजिस्टेंस अभी थोड़ा ऊपर है मार्केट का डायरेक्शन। जैसे ही मार्केट ने 17,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है तो मार्केट का डायरेक्शन थोड़ा सा अपसाइड में ही लग रहा है मेरे को अभी भी, और 17,700 तक मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि निफ्टी शायद पहुँच सकता है यहाँ से। तो अभी करंट सिनेरियो में 600-700 ये पूरा एरिया जो है रेजिस्टेंस का है। तो 17,700 मेरा जो है रहेगा रेजिस्टेंस वन, और 17,800 जो है ये रहेगा मेरा रेजिस्टेंस टू कल के दिन के लिए निफ्टी के लिए। एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा अभी फ्यूचर डेज़ के लिए। एक बारी हमने अभी प्रीवियस काफ़ी दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि डेली चार्ट में जो है निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हमने देखा था यहाँ पे निफ्टी में। तो वो कुछ इस तरीके से हमने अभी शायद प्रीवियस मंथ की एक वीडियो में हमने डिस्कस करा था ये चीज़ आपके साथ फ्राइडे की वीडियो में। तो अभी मार्केट देखिए कंटिन्यूस डाउन साइड में ही है, अभी मार्केट फाइनली एक अप ट्रेंड में आया है। ये जो ट्रेंड मार्केट में लोअर लो का ट्रेंड बन रहा था, इस ट्रेंड से फाइनली मार्केट थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पे अच्छा हमें एक राइज देखने को मिला दोबारा। तो अगर इनकेस मार्केट जो है ये लेवल को हम वॉच करेंगे 18,000 का लेवल, तो अभी लास्ट टाइम भी जब मार्केट में फॉल आया था ऑलमोस्ट 18,100 के पास आया, तो इस बार जो है मार्केट में हम 18,000 का लेवल वॉच करेंगे। अगर मार्केट 18,000 का लेवल ब्रेक करता है तो हो सकता है मार्केट अब अच्छी तेज़ी की तरफ जाए या फिर एक नए लाइफ टाइम हाई की तरफ जाए, वो दैट इज़ अ बिगर पिक्चर थिंग। बट इस ट्रेंड लाइन को हम अभी वॉच पे रखेंगे। अगर मार्केट इनकेस हमें आने वाले 2 या 3 दिन में इस ट्रेंड लाइन के पास आता है और यहीं से रिवर्स होता हुआ दिखता है तो अच्छा एक ट्रेड प्लान करने का मार्केट में मौका मिल सकता है या फिर एक रिवर्सल का मौका मिल सकता है। जस्ट इन केस अगर कोई ऐसी हैपनिंग हो तो इस ट्रेंड लाइन को आई रिकमेंड कि आप लोग अपनी निगरानी में जरूर बना के रखिए। तो चलिए अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी में भी देखिए आज मार्केट जो है 41,000 के अराउंड बंद हुआ, और 41,000 पे हमने कल के दिन मार्क किया था। अभी हमारी प्रीवियस डे ड्राइंग्स हैं, अभी मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट में भी हटाई नहीं, तो हमने 41,100 का लेवल मार्क किया था कि 41,100 जो है, जैसे हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियो में कि 41,100 से 41,700 जो है काफ़ी अच्छा बैंक निफ्टी के लिए अभी प्रीवियस डेज में होल्ड जोन रहा है, एक रेंज बाउंड मार्केट रहा है इस जोन में। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट रहा है। तो अभी 41,100 को हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क किया था, आज भी मार्केट ऑलमोस्ट 41,100 के पास से ही 41,071 का मार्केट ने हाई लगाया, और ऑलमोस्ट उसी लेवल से ऑलमोस्ट साइडवेज कंसोलिडेट किया है। तो उम्मीद यही है कि अगर मार्केट अपसाइड ही कंसोलिडेट कर रहा है और काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है तो यानी बाइंग कंटिन्यू है मार्केट में, और हो सकता है मार्केट अभी हमें कल के दिन 41,100 के अंदर एंटर करता हुआ मिल जाए। तो एक बार ये अपनी ये सारी ड्राइंग्स रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। यस, तो कल की रेंज के बारे में अगर बात करेंगे देखिए बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा राइज आ चुका है। नीचे से अगर बात करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है बैंक निफ्टी 38,600 से 41,000 तक आ चुका है, यानी मार्केट जो है ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट ऊपर आ चुका है डाउनसाइड के पास से।
तो अभी करंट एरिया में जो हमारे रेजिस्टेंस रहेंगे कल के दिन के लिए, दो बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल है। एक तो है 41,100 का जो लेवल है, ये हमारा रहेगा रेजिस्टेंस वन। 41,100 से 150 का जो लेवल है इसको हम रखेंगे रेजिस्टेंस वन कल के दिन के लिए। और डाउन साइड में जो है दोस्तों, देखिए डाउन साइड में 41,800 का जो एक एरिया है, ये एरिया देखिए यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट किया है। ये 30 मिनट का चार्ट है, इसलिए आपको ये टाइम फ्रेम थोड़ा कम दिख रहा है, बट अगर इसको मैं 15 मिनट पे ले जाऊँगा तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन दिख रहा है मार्केट में। तो 41,800 का जो एरिया है ये रेजिस्टेंस भी रहा है अभी मार्केट में कल के दिन, और फिर आज के दिन यहाँ पे सपोर्ट भी अच्छा रहा है। तो 40,800 जो है बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा एरिया। अगर इनकेस जैसे मार्केट 41,100 हमारा रेजिस्टेंस है अभी मार्केट ने आज ये लगाया, अगर कल के दिन हमें इनकेस देखने मिलता है कि बैंक निफ्टी जो है 40,800 के नीचे ट्रेड कर रही है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट में हमें एक अच्छा डाउनफॉल मतलब अच्छा करेक्शन देखने को मिल जाए इतनी तेज़ी के बाद। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं बायर्स के लिए, या फिर थोड़ा सा एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल जाए मार्केट में। 40,500 या 40,400 तक हम मार्केट को आना एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट ने 40,800 का लेवल ब्रेक कर दिया कल के दिन। तो अभी सबसे पहले कल के दिन के लिए जो न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है हमारी, रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी, वो ये है कि अपसाइड में रेजिस्टेंस वन है हमारा 41,100 से 150 का, और डाउन साइड में हमारा सपोर्ट वन है 40,800 का। यानी ये 300 पॉइंट की जो रेंज है अभी फिलहाल एक मार्केट में बैंक निफ्टी के लिए, कल एक्सपायरी है तो क्लोज के लिए ये रेंज हमारे पास काफ़ी अच्छी रहेगी कल के दिन के लिए। तो अपसाइड में बात करते हैं मार्केट में अभी रेजिस्टेंस टू क्या रहेगा। रेजिस्टेंस वन की बात करिए अपने, 41,100 का जो एरिया ये है हमारा रेजिस्टेंस वन, तो रेजिस्टेंस टू जो है वो रहेगा 41,250 से 41,300 का जो एरिया ये रहेगा रेजिस्टेंस टू। अगर मार्केट इसके भी ऊपर निकल जाता है तो मैं मानूंगा कि बैंक निफ्टी में नेक्स्ट टारगेट हमारा 41,700 है, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस थ्री हम अभी लेके चलेंगे वो रहेगा 41,700 का लेवल, अगर मार्केट 41,250 या 41,300 के ऊपर ट्रेड करता है तो। तो अभी करंट सिनेरियो में जैसे विक्स भी कम है तो इतना बड़ा मूव हो सकता है कि मार्केट में ना देखने को मिले, बट कल क्रेडिट पॉलिसी भी है तो इसलिए अभी हम यहाँ पे अभी रेंज डिस्कस करके चलेंगे। 41,100 हमारा रेजिस्टेंस वन है, 41,250 से 300 का जो एरिया है ये हमारा रेजिस्टेंस टू है, और अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो 41,700 जो है ये रहेगा हमारा रेजिस्टेंस थ्री कल के दिन के लिए। डाउन साइड में 40,800 जो है ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है, आपको चार्ट पे भी नज़र आ रहा होगा यहाँ पे 40,800 जो है ये काफ़ी अच्छा लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, ये है हमारा सपोर्ट वन। इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो 40,400 हमारा जो रहेगा, 40,400 350 का जो एरिया है ये रहेगा हमारा सपोर्ट टू कल के दिन के लिए। अगर ये भी लेवल ब्रेक होता है तो यानी बैंक निफ्टी में बाइंग में थोड़ा सा हमें वापस सेलर्स मार्केट में हैवी होते हुए दिख जाएंगे। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में दोस्तों एक बार डेली चार्ट की तरफ भी चल लेते हैं। डेली चार्ट में बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन हम लोगों ने थोड़े दिन पहले शेयर करी थी, तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट जो है उस ट्रेंड लाइन के पास ही यहाँ पे खड़ा है, यानी कि वो लेवल जो है वो 41,200 का लेवल है उस ट्रेंड लाइन का। तो अगर मार्केट ये जो अभी हमने आपसे रेजिस्टेंस डिस्कस किया 41,100 से 150 का जो एरिया है, ये 100 से 150 का जो एरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर यहीं से मार्केट रिवर्स होता है 40,800 ब्रेक करता है नीचे में, तो हो सकता है बैंक निफ्टी में वापस हम एक डाउन साइड का मूव प्रेड कर सकते हैं, या फिर सेलर्स मार्केट में वापस आते हुए दिख सकते हैं हमें। और अगर ये लेवल मार्केट में ब्रेक हो जाता है तो 41,700 तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है ही, और 41,700 भी ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट हम बैंक निफ्टी में कम से कम 1,000 पॉइंट का मूव, यानी 42,700 to 43,000 के अराउंड हम बैंक निफ्टी को देख पाएंगे। तो अभी कल के दिन के लिए हमने जो रेट डिस्कस करी है वो रिवाइज कर लेता हूं मैं एक बारी और। यहां पे बैंक निफ्टी में हमारे पास जो रेंज है वो है 40,800 जो है वो सपोर्ट वन है, और 40,400 जो है वो सपोर्ट टू है। रेजिस्टेंस वन 41,100 से 150 का एरिया, और रेजिस्टेंस टू हमारा 41,300 से 350 का एरिया है बैंक निफ्टी के लिए, 250 से 300 का एरिया है सॉरी बैंक निफ्टी के लिए हमारा रेजिस्टेंस टू। तो दैट्स इट दोस्तों, यही रेंज मेरी कल के दिन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। आई होप आपको हमारी रेंज से, हम जो चार्ट्स में लेवल डिस्कस करते हैं उनसे आपको अपने ट्रेड्स और फ्यूचर ट्रेड लेने में कुछ हेल्प मिलती हो। अगर चैनल पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर करना मत भूलेगा, और वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू।